हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज का मेकअप लुक देख रहे हो आप। ये मेकअप लुक मैंने 10 रुपये के प्रोडक्ट से किया है। 10 रुपीज मेकअप चैलेंज लुक। ये इस मेकअप में मैंने 3 से 4 प्रोडक्ट ही यूज़ किए हैं। अगर आप जानना चाहते हो ये मेकअप लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। तो इसके बाद फेस वॉश करने के बाद बारी आती है टोनर के। टोनर के मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर रोज वाटर का। ये 10 रुपीज की ही बोतल मिलती है हमें। तो इसको मैंने एक स्प्रे बोतल में डाल दिया था और अच्छे से अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लिया है। रोज वाटर हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा टोनिंग का काम करता है। ये पीच बैलेंस को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए रखता है एंड बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड ये जो हमारे स्किन के ऊपर जो जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको भी अच्छे से मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये 10 रुपीज की पॉन्स क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये पॉन्स की जेल क्रीम है एक, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, बट यहाँ पर हम 10 रुपीज मेकअप चैलेंज कर रहे हैं तो ये मैं पॉन्स की ये क्रीम यूज़ करूँगी। इस क्रीम की हमें ज़्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, बहुत ही कम क्वांटिटी यूज करनी है, क्योंकि समर है। समर में ये थोड़ा चिपचिपा फील करा देगी, तो इस वजह से आपको बहुत कम क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस नेक पर अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि हमें मॉइस्चराइजर तो अप्लाई करना ही है। मॉइस्चराइजर के बिना हम मेकअप नहीं कर सकते। तो आप किसी भी स्थिति में अगर हैवी मेकअप कर रहे हो या लाइट मेकअप कर रहे हो तो भी आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है और अच्छे से अपनी स्किन के अंदर इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये अपना अच्छा सा वर्क कर सके अपनी स्किन के ऊपर। एंड नेक्स्ट मैं अब यूज करूंगी यहाँ पे ये लिप बाम जो छोटू सू ब्लू हेवन की है। ये भी 10 रुपीज, पता नहीं 5 रुपीज की आती है, 10 रुपीज की, इसकी मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी। नेक्स्ट अब मैं यूज करूंगी पॉन्स की ये क्रीम जो 10 रुपीज में मिलती है हमें। एंड ये पॉन्स की बीबी क्रीम है जो एक फाउंडेशन का काम करती है, बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यहाँ पे ये 10 रुपीज की ये क्रीम। तो देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर हमें सीरम मिलता है। तो ये स्किन के ऊपर बस थोड़ा सा क्या करता है कि हमारी स्किन को थोड़ा सा ग्लो कर देती है हमारी स्किन को, और बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देती है। तो इसको मैं डॉट डॉट करते हुए अपने फेस नेक पे अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है। अगर आपकी स्किन पर कोई पिगमेंट ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसे आप डेली यूज कर सकते हो। एक बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देती है हमारे फेस पे एंड इसको यूज करना भी बहुत ही आसान होता है। बस फटाफट इसके हमें लगा लो, ज़्यादा स्टेप हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें सीरम मिलता है। तो सीरम बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है हमारे फेस के ऊपर। तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, बट मुझे देख सकते हो बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिली है। तो अब मेरे जो हैंड पर जो क्रीम बची हुई है उसी की मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी और अच्छे से इसे अप्लाई करूंगी। फिर से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी तो ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है। तो बस इसी तरह से हमें अप्लाई करना है अपने फेस नेक के ऊपर। मैं इसे अंडर आइज के नीचे भी लगाऊंगी और आइज के ऊपर भी लगाऊंगी, जहां पर मुझे इसकी जो कम क्वांटिटी लग रही है ना, वहां पर अच्छे से मैं अप्लाई कर लूंगी और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद देख सकते हो आप, मुझे थोड़ी अच्छी खासी कवरेज मिल गई है। तो आप इसकी 2 लेयर लगा सकते हो। अगर आपको इसकी थोड़ी अच्छी कवरेज चाहिए तो आप इस तरह से लगा सकते हो और ठीक से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये 10 रुपीज़ का पॉन्स टेलकम पाउडर, जिससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। समर में फेस को सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी और ये हमारी स्किन पर पेची सा वाइट कास्ट सा छोड़ सकती है हमारी स्किन पर। तो इसको सेट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास कोई भी अगर स्पंज है या ब्रश है तो आप उसकी हेल्प से अच्छे से अपने फेस को सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे अच्छे से मैंने फेस को सेट कर लिया है। अब बारी आती है, ये मैंने 10 रुपीज़ की काजल ली है जिसे मैं आईब्रोज को फिल करूँगी। एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे इसके ऊपर ले लूँगी और आईब्रोज को फिल करूँगी। बहुत ही कम लगाऊँगी क्योंकि ये ब्लैक है, तो ब्लैक मेरी आईज के आईब्रोज के ऊपर सेट नहीं होएगा क्योंकि मेरी लाइट आईब्रोज है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाऊँगी और साथ के साथ स्मज भी करते जाऊँगी। बस एक नेचुरल लुक आए, ज़्यादा ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि जैसे ओवर लगाए हैं। एंड सेम काजल की हेल्प से ही मैं वाटर लाइन के ऊपर एंड अपर वाटर लाइन के ऊपर दोनों के ऊपर मैं अच्छे से
अप्लाई कर लूँगी और इसी ब्रश की हेल्प से मैं अब इसे लोअर लाइन के नीचे अच्छे से स्मज कर लूँगी काजल को, कि थोड़ी स्मज प्रूफ हो जाए, ये फैलेगा नहीं क्योंकि 10 रुपीज का है तो फैलना लाजमी है। तो इसको मैं अच्छे से स्मज कर लूँगी और जिससे ये फैलेगा नहीं, लॉन्ग लास्ट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से काजल लगा लिया है। अब मैं ब्लशर लगाऊंगी। ब्लशर के लिए मैं ये 10 रुपीज़ की लिपस्टिक ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा इस पिंकी शेड हो जाए अच्छा से। तो इसको मैं मिक्स करके अपने ब्लशर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा लिया है, देख सकते हो ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लगाना है हमें। एंड इसी लिपस्टिक की हेल्प से मैं अब आई शेडो लगा लूँगी। तो हमें एक प्रोडक्ट से हम 2-3 काम कर सकते हैं अच्छे से। तो आप इस तरह से बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्ट चाहिए बहुत अच्छा मेकअप करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस हमें करने का थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए और हम बहुत अच्छे से मेकअप कर सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ और बहुत ही अच्छा। तो आप इस तरह का मेकअप घर पर भी कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो कुछ काम के लिए तब भी आप ये ऐसा मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सकते हो आई शेडो लगा लिया है सेम लिपस्टिक से। अब यहाँ पे मैं सेम ही ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ी ओवर लग रही थी क्योंकि अब हमारे फेस के ऊपर थोड़ा सा एक शेड ही हो गया है, रेड रेड सा शेड जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, जो ये 10 रुपीज़ की जो काजल थी ना उसको मैं आउटलाइन बना लिया है। आउटलाइन बनाने के बाद इसको थोड़ा सा स्मज कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया है, देख सकते हो। अब थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। एंड अब इसी काजल की हेल्प से मैं थोड़ा सा जो हाफ लाइनर लगाऊंगी, हाफ लाइनर ही लगाऊंगी, आई लिड तक ही लेके जाऊंगी, फुल लाइनर नहीं लगा रही मैं। और इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मैं स्मज भी कर लूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप इस तरह से बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ फुल मेकअप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार सपोर्ट करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड इसी है काजल से अब हम अपने जो इनर कॉर्नर के ऊपर भी मैं इसको आगे से थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि अच्छा लुक दिखाई दे। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है, बहुत ही अच्छा। एंड मैंने बिंदी लगा ली है और एंड मांग लगा लूँगी तो यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट होता है। आप चाहते हो तो कुछ भी पोनी टेल कुछ भी बना सकते हो। इस तरह से मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आप भी बहुत ही आसानी से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत ही सुंदर सा, देख सकते हो आप। किसी कोई बता नहीं सकता ये मैंने 10 रुपीज़ के मेकअप से ये मेकअप किया है और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ ये मेकअप लुक किया है, बहुत ही सुंदर सा मेकअप लुक हुआ है। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा क्लेचर लगा के इस तरह से बस रेडी हो चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।